तो कॉमेट के ने फाइनली ऑफिशियल डेट रिलीज कर दी है 2022 के काउंसलिंग के लिए। जहां तक अनुमान लगाया जा रहा था कि क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद, जो सीबीएसई का हमारा 12 का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद कॉमेट के तुम्हारा रिजल्ट इश्यू करेगी, कुछ ऐसा ही हुआ है। कॉमेट के ने अपना जो इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि क्लास 12 में हमारे जो एग्रीगेट हैं वो मेन सब्जेक्ट में अप्रोक्स 45% होने चाहिए, और 45% तुम्हारा जो क्राइटेरिया है वो तभी तुम फिल कर पाओगे या तुम अपना डॉक्यूमेंट तभी सबमिट कर पाओगे जब तुम्हारा क्या है रिजल्ट तुम्हारे पास होगा। अब रिजल्ट पास में होगा कब होगा, जब तुम्हारा सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आएगा। तो जब क्लास 12 का तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पाओगे। तो मोटा मोटा हम घुमा फिरा के ये समझ सकते हैं कि जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्लास 12 सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होगा। और यहाँ जो कॉमेट के ने एक डेट इशू की है, ये सभी टेंटेटिव डेट्स हैं, फिक्स नहीं है, ये बात साफ साफ बता दी गई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके आसपास में तुम्हारा कॉमेट के का काउंसलिंग हो जाना है, क्योंकि अभी 12 का रिजल्ट भी आने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है तुम्हारा और जो तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 19 जुलाई, यानी 19 जुलाई मैं बात करूँ आज के शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आज भी नहीं, वो डेट चला गया है, कल का चला गया है भाई। और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट दिया गया है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो 12 अगस्त तक का दिया गया है भाई। यानी इतना लंबा गैप इसलिए लिया गया है क्योंकि जो बच्चे 12 दे चुके हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, तो वो तो अपना डॉक्यूमेंट क्लास 12 का भी अपलोड कर सकता है, और जो बच्चा इस साल दिया है और जो बच्चा इस साल के लिए वेट कर रहा है अपने रिजल्ट के लिए, वो अभी रिजल्ट एक आध हफ्ते में आ जाएगी, काफ़ी इस पर भी डिस्कशन चल रहा है, और वो रिजल्ट आने के बाद अपना रिजल्ट सबमिट कर सकता है डॉक्यूमेंट के साथ, इसलिए इतना बड़ा टाइम गैप दिया गया है। और 18 अगस्त को सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। अब राउंड वन की जो काउंसलिंग है, जो चॉइस फिलिंग है तुम्हारी, वो स्टार्ट होनी है तुम्हारी 22 अगस्त 8 AM मॉर्निंग से स्टार्ट होगी, जो कि 24 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद मॉक सीट अलाटमेंट तुम्हारा क्या है 26 अगस्त को तुम्हारा दिखा रहा होगा। उसके बाद अगर तुम अपने उसमें चेंज करना चाहते हो, प्रेफरेंस में एडिट करना चाहते हो, तो तुम उसको कर सकते हो 26 अगस्त 11 AM के बाद से, और तुम 8 PM तक कर सकते हो 28 अगस्त तक। तो यहाँ भी तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। और मैं फिर बात करूँ कि पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट, वो 30 अगस्त को तुम्हारा आसपास आ जाना है। और उसके बाद तुम्हें कंफर्म करना है कि भाई सीट लेनी है कि तुम्हें नहीं लेनी है, वो तुम्हें क्या है 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर, लगभग 1 वीक का टाइम दिया जा रहा है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक with the respective college for their working hours for reporting and make their travel arrangement in advance to report to their allotted college in person. उसके बाद आपको जो कॉलेज दिया जाएगा उसके लिए आपको टिकट विकेट बना लेनी है, और आपको फिजिकली वहाँ कॉलेज में अटेंड होना है, और सरेंडर फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट हु एक्सेप्ट सीट ड्यूरिंग द राउंड वन। और इसका तुम्हें टाइम दिया गया है 30 अगस्त टिल 1 PM से 6 सितंबर 2022 तक। तो जो डॉक्यूमेंट एक बार हम लोग ऑनलाइन वेरीफाई कराते हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में भी सबमिट करना होता है जो कि कॉलेज हमें अलॉटमेंट होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी तुम कॉलेज पे जाओगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई डाउट आता है, कुछ काउंसलिंग को लेकर डाउट है,